है, युवा सरकार है, और युवा सरकार, युवा मुख्यमंत्री, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, तो जनता के हित में तो काम करेंगे ही हम लोग। आप लोग जातीय जनगणना पर बहुत मतलब बिल्कुल होना आवाज ही बुला रही चाहिए है, लेकिन आप लोग कैबिनेट में ला नहीं रहे हैं। अरे भैया, जातीय जनगणना से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हम लोग तो चाहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भागीदारी और हिस्सेदारी का तो अनुमान तभी ना निकलेगा जब सारी चीज़ों का जनगणना हो जाएगा। क्यों भाजपा डरती है इतना? आप लोग भी तो सिर्फ माहौल बना रहे हैं ना, करवा नहीं रहे। बिहार में हो गया जाति जनगणना। ओ, तो आप क्या चाह रहे हैं कि ओवरनाइट हो जाए सबसे काम? जेपी ने नेता विपक्ष अमर बारी को बनाया है, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बनाया है, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। यही काम यदि वो पहले करते तो और अच्छा होता, राज्य हित में अच्छा होता। बहुत सारे जो हैं ऐसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जहां नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता की पूर्ति पहले हो जाती। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। जैसे कोविड में भाजपा के लोग छुपे हुए थे और कोविड ख़त्म हो गया, तो अब टर्राने लगे हैं, टर टर बोल रहे हैं। तो अब अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका नियुक्ति हुआ है, तो बढ़िया बात है, बीजेपी के एक मैं नेता बधाई देता जेल हूँ उनको। से छुटकर आया, बोल रहे कि मंत्री है, बनने को मंत्री बनना का कौन नेता है जी? नेता हमसे बड़ा कोई है जी? आप क्या जेल बात भिजवा कर रहे रहे का तो बीजेपी के लोग। अरे मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अरे भैया, हम तो 10ों बार जेल गए हैं, मारे खा के नेता बने हैं। वो लोग क्या बोलेगा, छोड़िए ना जी, वो सबका कोई विषय अच्छा कहाँ अच्छा है। आवास का सौगात मिला है मोदी जी केंद्र सरकार से? आप लोग आवास मिल रहे मांग रहे थे, मिल नहीं रहा था। अब जो है 3 लाख 3 कमरे वाला आवास आप लोग बना के देने वाले अरे हैं। भाई, अब नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? आपको यदि मान लीजिए कि भोजन जो है, आपको यदि भोजन आपके पिताजी नहीं देंगे, तो आप तो कहीं ना कहीं कमाने खाने जाइएगा ना। तो हमको जब नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तो हम लोग ने अपना जो हमारी पास क्षमता है उसके हिसाब से हम गरीबों को 8 लाख मकान देंगे बना के। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।